नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, अब सबको पता है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली, लेकिन किसके बदौलत? जदयू के बदौलत। बीजेपी को उतने आंकड़े नहीं आए। 2019 में जितने आंकड़े आए थे उसके मुताबिक काफ़ी कम आंकड़े आए और बीजेपी जदयू की मदद से जो है सरकार बना पाई। इसमें कोई शर्म वाली बात भी नहीं है। हालांकि गठबंधन की मर्यादा होती है तो बीजेपी और जदयू एक साथ मिलकर सरकार बना ली गई। लेकिन देखिए, सरकार बनाने के बाद नीतीश कुमार की हर डिमांड बीजेपी मानती है। नीतीश कुमार वन नेशन वन इलेक्शन, एक चर्चा थी कि नीतीश कुमार की ये कयासों का बाजार इस चीज से घिरा हुआ था कि नीतीश कुमार की ही डिमांड, इसको भी कैबिनेट में मंजूरी मिल गई। तमाम चीजें, वक्फ बोर्ड, हालांकि इस पर सीएम नीतीश की नाराजगी थी तो उसको जेपीसी को सौंप दिया गया। और भी कई बातें हैं जो बीजेपी सीएम नीतीश से पूछ पूछ कर करती है। देखिए, अभी आपको बता दें कि जब सीएम नीतीश और तेजस्वी यादव की मुलाकात होती है तो तुरंत भागे भागे जेपी नड्डा कहां पहुंचते हैं? तो बिहार पहुंचते हैं। तीन सीढ़ी नीचे से खड़े होकर वो सीएम नीतीश को प्रणाम करते हैं। और ये ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही थी कि अलग से भी जो है उनमें और सीएम नीतीश में 4 घंटे की मुलाकात होती है। क्या मुलाकात होती है? मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी खूब चर्चा उठी। तमाम चीजें चल रही है, लेकिन अब एक बात की चर्चा बिहार में बहुत है, जो ये है कि बीजेपी और जदयू एक दूसरे पर भारी पड़ रहे हैं। दोनों में से हर कोई अपना अपना क्रेडिट लेना चाहता है कि ये काम हमने किया। अब आप ये सोचेंगे कि मैं ये बात कैसे बोल रही हूँ। देखिए, कुछ तथ्य है, कुछ फैक्ट है, उस पर ये मैं बात बोल रही हूँ। देखिए, पहले तो आपको बता दें कि बिहटा एयरपोर्ट की मंजूरी दी गई। इस पर बीजेपी जो है पूरे तरीके से क्रेडिट ले रही थी कि ये काम हमारी जो है केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी है, तो नरेंद्र मोदी की तरफ से आया है, तो बीजेपी की तरफ से है ये चीज़। लेकिन अगले ही दिन क्या होता है, सीएम नीतीश पहुंच जाते हैं बिहटा पहुंचते हैं और देखिए वहां पर उनके साथ कोई नहीं होता है। ना डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी होते हैं, विजय सिन्हा, कोई नहीं होता है। और सीएम नीतीश वहां अकेले जाके जायजा लेने लगते हैं। तो सीएम नीतीश कहीं ना कहीं ये दर्शाते हैं कि हम जो है ये पूरा काम किए हैं, मेरे मुख्यमंत्री रहते हैं बिहटा में एयरपोर्ट बन रहा है, ये चीज हो गई। अब आपको एक सूची बताते हैं। देखिए, 19 सितंबर को नगर विकास विभाग की तरफ से एक कार्यक्रम रखा गया। अब देखिए, आप इस कार्यक्रम में कौन कौन थे, इस कार्यक्रम को बीजेपी के रंग से रंगने की कोशिश की गई। ये सरकारी कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में सीएम नीतीश का होना बेहद आवश्यक था, एक सरकारी कार्यक्रम था। तो ना इस कार्यक्रम में सीएम नीतीश थे और ना इस कार्यक्रम में सीएम नीतीश यानी कि जदयू से जुड़ा कोई भी मंत्री था। ना अशोक चौधरी थे, ना विजय चौधरी थे, कोई नहीं थे। इस पूरे कार्यक्रम को भाजपा के रंग में रंगने की कोशिश की गई। राज्यपाल मुख्य अतिथि जो है यहाँ पर आ गए। लेकिन आप देखिए, ये तमाम चीज़ें हो गई। इसके बाद सीएम नीतीश ने कई बैठकें की। आपको याद दिला दें कि शनिवार को एक लॉ एंड ऑर्डर पे बैठक हुई, उसके पहले जो है पथ निर्माण को लेकर एक बैठक हुई। इस बैठक में पथ निर्माण विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ही नहीं थे। इसकी भी चर्चा हुई कि इस बैठक में सब लोग थे, लेकिन डिप्टी सीएम का होना बेहद जरूरी था। विजय कुमार सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री है वो नहीं थे। तो क्या यहाँ भी सीएम नीतीश ने चाहा कि सब काम का होर हम ले लें? बीजेपी भी कई जगह काम ऐसे हैं जहाँ बीजेपी चाहती है कि हम क्रेडिट ले लें, ये हो गई। इसके बाद आप देखिए, जो सीएम नीतीश ने एक बैठक समीक्षा की, इस बैठक पे विपक्ष जो है लगातार सवाल खड़े कर रहा है कि इस बैठक में डीजीपी नहीं थे और भी कोई लोग नहीं थे, लेकिन इसमें सिन्हा, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी भी नहीं थे। तो ये कैसी बैठक हुई जब इसमें बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री ही नहीं थे? ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या अब जदयू और बीजेपी क्रेडिट लेने की होर में है और दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे हैं, दोनों एक दूसरे पर क्रेडिट लेने की होर में है और दोनों चाह रहे हैं कि जो काम हो रहा है उसका क्रेडिट जो है हम ले लें। सीएम नीतीश कई बैठकें करते हैं, लेकिन इस बैठक में जो है कभी विजय सिन्हा नहीं दिखते हैं, कभी सम्राट चौधरी नहीं दिखते, बीजेपी का कोई मंत्री नहीं दिखता है, सिर्फ जदयू कोटे के लोग होते हैं। वहीं बीजेपी अगर कहीं जाती है तो इस पर भी जो है देखिए, खुद बीजेपी कोटे के लोग होते हैं, सीएम नीतीश नहीं होते हैं, जदयू कोटे के कोई लोग नहीं होते। ये जो है तमाम चीज़ें बयां कर रही हैं। देखिए, अब सीट शेयरिंग की भी बात अगर की जाए तो अब विधानसभा चुनाव से पहले सीट शेयरिंग की भी बात आएगी। इस पर भी जदयू और बीजेपी में खींचातानी हो सकती है। सीएम नीतीश जितने सीटों की डिमांड करती है, अगर बीजेपी ने उतने सीट नहीं दिए तो रास्ता खुला हुआ है सीएम नीतीश के लिए। बीजेपी के घटक दल भी हैं जो सीटों की डिमांड करते हैं, तो बीजेपी अब कैसे इस दलदल
से बाहर निकलेगी और सीटों की मैनेजमेंट कैसे करेगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अभी ऐसा लग रहा है कि तमाम कार्यक्रम में कहीं सिर्फ बीजेपी पहुंचती है तो कहीं सिर्फ जदयू पहुंचता है। ये दोनों का आपस में तालमेल या आप कहिए तो सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, ये एक बहुत बड़ा संकेत है। क्या होगा आने वाले दिनों में, क्या बिहार की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल आएगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। जुड़े अपने चैनल के साथ, अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।